वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका, देखिए बिहार एसेट 2024 साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पर आपका देखिए कि जो इसकी लास्ट डेट है ये है आपकी 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है ये कब हो जाएगी, ये हो जाएगी मार्च में। तो अगर अभी तक आपने इसका फार्म नहीं भरा है तो जाके इसका तुरंत आप जो है फार्म इसका भर दीजिए, ठीक है, तुरंत के तुरंत इसका जो है फार्म आप यहाँ पे भर दीजिए। और 2 तारीख जो है आपकी लास्ट डेट है। क्या चाहिए आपको? आपको मास्टर्स चाहिए है कॉम्प्लेट, और आपको क्या चाहिए है बीएड, आपको चाहिए है यहाँ पर कॉम्प्लेट। अगर ये आपका डन है तो आप ये मान के चलिए, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे आने वाले समय के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि पीजीटी की अगली जो भी पोस्ट निकलेगी, पीजीटी की अगली जो भी वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर आपके होने के संभावना वहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, अभी आपका हुआ था रिसेंट में एग्जामिनेशन TRE 2.0, ठीक है, इसके रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं, ठीक है। इसमें कई सारे लोग पास करेंगे, लगभग लगभग यहाँ पर देखिए 2400 लोगों ने इसको यहाँ पर दिया था लास्ट टाइम, मतलब 2400 लोग यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत पास हुए थे। 2400 में से कुछ कम लोगों ने इस एग्जाम को नहीं दिया था, है ना, किन्हीं लोगों ने इस एग्जाम को नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि उनके पास पीजी कंप्लीट नहीं था, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे मान के चलिए आपने 2021 तो बच्चों ने लगभग इसकी परीक्षा दी होगी, ठीक है, 2100-2200 का आंकड़ा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, वो बाद में आएगा तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 2000 बच्चों ने तो कम से कम इस परीक्षा को दिया ही होगा, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पर छूट गए तो उनका पीजी अभी तुरंत ही तुरंत हो जाए संभव नहीं है। तो अगेन देखिए इस बार का एस्टेट होगा आपका 2024 का, इसके अंदर जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर, है ना, जिसके अंदर यहाँ पर जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एंड इन 200-2000 जो जितने भी बच्चे हैं इनमें से जो बच जाएंगे, ठीक है, इनमें से जो बच जाएंगे वो प्लस आपके स्टेट 2024 में जो जितने लोग भी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनको मिला के क्या होगी आपकी आगामी पीजीटी 3.0 का लेने का प्रयास किया जाएगा, टीआरई 3.0 का लेने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें यहाँ पर। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे जो बच्चे बच जाएंगे जिनका अभी इस बार कट ऑफ वगैरह क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे बच्चे रहेंगे, एक्स बच्चे जो है वो पास हो जाएंगे, वाई बच्चे जो है यहाँ पे उनका क्लियर नहीं होगा, वो क्या करेंगे, वो एड होके आएंगे कहाँ पे, आपके टीआरई 3.0 के अंदर, अगर उनको देना होगा तो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कि वो आए, सभी के सभी आए, है ना, जितने लोग समय रहते अगर आ सके तो उतने लोग तो वहां पर आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो टीआरई 3.0 के लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना है कि आपको जो है एस्टेट क्वालिफाई करना है 2024 का, ये जो है आपकी, ये आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना। प्राइमरी चीज क्या है यहाँ पर, प्राइमरी चीज यहाँ पे है, प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको जो स्टेट का पेपर होने वाला है, ठीक है, जो आपकी एलिजिबिलिटी दर्शाता है टीचर बनने के लिए, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, 100% आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। आपकी कैटेगरी वाइज देखिए, अनरिजर्व में, बीसी में, ईबीसी में, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, आपकी ईडब्ल्यूएस में अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मापदंड दिए हुए हैं, तो वहाँ आप नोटिफिकेशन के अनुसार चेक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए उनको कितने लाने होंगे, उनको यहाँ पर 75 मार्क्स लाने होंगे एलिजिबल होने के लिए, ठीक है, 150 में से कितने लाने होंगे यहाँ पर उनको, 150 में से 75 उनको यहाँ पर लाने होंगे, और यहाँ पर कहीं कहीं 64 है, कहीं कहीं 65 है, तो आप अपनी कैटेगरी में परसेंटेज निकाल के उसको आप देख लें, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए वहाँ 50% दिया तो 50% आप निकाल लेंगे किसका, 50% आप निकाल लेंगे वहाँ पर 150 का, ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर लेंगे। एंड आपको जो है वहाँ पे आपका जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, है ना, न्यूनतम अर्हता आपको जो चाहिए वहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एस्टेट 2024 का ये जो मौका मिल रहा है आपको, इसको छोड़ना नहीं है, 75 नंबर आपको लाने ही है, इसमें से 100 मार्क्स का होगा आपको मनोविज्ञान होगा, और उसी के साथ 50 मार्क्स का आपका अन्य जो भी आपको दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, वो वहां से पूछेंगे आपसे, टीचिंग वगैरह जो भी है आपका, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 100 सवाल कैसे पढ़े, 100 सवाल कहाँ से आएगा, ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एनसीईआरटी को नहीं बोला हुआ है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि एनसीईआरटी से नहीं आएगा, लेकिन एस्टेट के अंदर आपके एनसीईआरटी को यहाँ पे उतनी अहमियत नहीं दी गई है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला आपका स्नातक यानी बीए, ठीक है, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स की आपकी जो साइकोलॉजी है ना, यानी कि ग्रेजुएशन का जो आपका स्नातक का जो आपका मनोविज्ञान है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, और आपके राज्य में, ठीक है, ये सेंट्रल का नहीं बोल रहे हैं, आपके राज्य में यानी कि आपके बिहार राज्य में, बिहार राज्य में स्नातक स्तर पर ऑनर्स में, ठीक है, स्नातक स्तर पर ऑनर्स में यानी कि आपकी जो बीए है जो भी होता है आपका,
है ना, उसका जो ऑनर्स का सिलेबस है वही क्या रहेगा, वही आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वही सिलेबस रहेगा कहाँ पे, आपके सिलेबस वो रहेगा आपके एसटेट 2024 के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके राज्य में बीए ऑनर्स में क्या क्या सिलेबस लगता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें कहाँ इंक्लूड होंगी, वो सब चीजें इंक्लूड होंगी आपके इस सिलेबस के अंदर जो आप देंगे एसटेट 2024 का, ठीक है। मुख्यतः देखिए सभी चीजें इसमें सेम रहेगी, कुछ जो माइनर चेंजेस हो सकते हैं वो वहां पर क्या आपको देखने मिल सकता है, मे बी आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी देखने मिल जाए अगर बिहार में बीए ऑनर्स में ये सभी चीजें होती हैं तो, ठीक है। तो आप भी जो है पता करें इसको कि क्या सिलेबस होगा आपके बीए ऑनर्स का, ठीक है, क्योंकि राज्य की बात है, सेंट्रल की बात नहीं है यहाँ पे। तो आपके राज्य में बीए ऑनर्स में या फिर ऑनर्स साइकोलॉजी जो भी होता है, साइकोलॉजी ऑनर्स जो भी है आपका, है ना, स्नातक स्तर का, ठीक है, बीए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो जो भी है आपका यहाँ पर साइकोलॉजी ऑनर्स स्तर का, उसको क्या करें, उसको आप चेक करें एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अपना यहाँ पर सिलेबस की तैयारी करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस की तैयारी करें, इसका ध्यान रखें। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, लास्ट टाइम देखिए आपको उन्होंने क्या किया हुआ था, लास्ट टाइम सिलेबस को प्रकाशित किया हुआ था अलग से, ठीक है, इस बार ये प्रकाशित नहीं किया है, सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है, ऑनर्स साइकोलॉजी की चीजें आपको पढ़ के आनी है, ठीक है, एस्टेट के लिए। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर बनती है दुविधा कि पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाए, ठीक है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं यहाँ पे ये, कि आपको जो बिहार एस्टेट पीजीटी की लिस्ट बनी है हमारी, वहां पे जाके जो सिलेबस दिया हुआ है आप उसको पढ़ लें, ठीक है, लगभग लगभग वही होगा, दो चार चीजें उसमें कम ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन लगभग लगभग वही होगा, जस्ट एक सजेशन है। उसी के साथ साथ आप क्या कर लें, आप यहाँ पे नेट स्तर का भी अगर आप पढ़ लेंगे या फिर पीजीटी के स्तर का भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पीजीटी भी देखिए इस बार बिहार पीजीटी में जो आया था वो भी अच्छे स्तर के सवाल आए थे, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर एस्टेट में आपके होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है, एस्टेट में आपके होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। 75 मार्क्स आपको लाने हैं, अब किस स्तर का रहेगा वो तो आगे वक्त ही बताएगा पेपर किस स्तर का रहता है, लेकिन लास्ट टाइम भी देखिए लास्ट टाइम जो पेपर था वो इजी था, ऐसे कुछ बड़े कठिन सवाल आए नहीं थे, वो हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे अभी आगे, तो आपको बता देंगे, ठीक है, बिहार स्टेट का, लेकिन ऐसे कोई बड़े भारी भरकम सवाल आए नहीं थे, काफी आसान सा पेपर था अगर केवल साइकोलॉजी की बात करें तो, ठीक है, साइकोलॉजी की बात करें तो बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो दिया है इस बार वो बीए ऑनर्स का स्तर तक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है कि आपका जो है ऑनर्स के स्तर पर क्या चीजें आती हैं, उसके लिए आप यहाँ पे तैयार रहें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं सिलेबस वगैरह, ताकि दूसरों की भी वहां पर मदद हो जाएगी, कि अगर आपको मालूम है बिहार राज्य में ऑनर्स में क्या सिलेबस चलता है तो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑनर्स के लिए कोई चीजें इंक्लूड करते हैं कोई चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। मान के चलिए किसी ने जो इंक्लूड किया हुआ है ना, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी को किया हुआ है, कहीं कहीं पे ये नहीं होता है, कहीं कहीं क्लिनिकल किया हुआ है, कहीं कहीं काउंसलिंग किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती हैं ऑनर्स के अंदर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपके राज्य में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, राइट। या फिर अगर आपको कोई सगा संबंधी यहाँ पे बीए ऑनर्स वगैरह या कुछ ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं स्नातक स्तर पर आपके मनोविज्ञान में, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। लेकिन मेन सिलेबस कहाँ घूमेगा आपका, मेन सिलेबस आपका घूमेगा आपकी लर्निंग मेमोरी, है ना, हिस्ट्री और ये सब चीजें जो आपकी मेन मेन कॉमन है, ठीक है, इमोशन मोटिवेशन, है ना, अधिकतर चीजें यहीं पे रहेंगी। जो चीजें बाहर से आएंगी वो क्या है, वो आपकी इंडस्ट्रियल हो सकता है, आपकी रिसर्च हो सकती है, और भी दो चार चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे अलग आ सकती है। बाकी जो आप कोर अपना पढ़ते हैं आप उसको यहाँ पे पढ़ते रहें एसटेट 2024 के लिए, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान के चलिए कि आपका देखिए कॉम्पिटिशन जो है अब और बढ़ने वाला है, एसटेट तो देखिए लोग अब अगेन क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एसटेट 2024 को जो लोग क्वालिफाई करेंगे मे भी हो सकता है 2400 करें या 2400 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस ज्यादा भी कर सकते हैं कि अभी भी कोई लोगों का पीजी बी एड कम्प्लीट हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2400 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। मतलब अगेन अगर पीजीटी 3.0 हुआ तो यहाँ पे देखिए इतने लोग तो आपको बैठने वाले हैं, प्लस यहाँ पे जो अभी आएंगे बच्चे जिनका नहीं होगा कट ऑफ के कारण वो बच्चे भी ऐड होंगे, ठीक है, और यहाँ पे अब कितने आते हैं वो आंकड़ा अभी सामने आया नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मेहनत जो है आपको यहाँ पे अच्छे से करनी होगी, ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे यहाँ पे आप यहीं पे इतनी अच्छी से तैयारी कर लीजिए कि आपको पीजीटी में आगे जाके क्या हो, पीजीटी में आगे जाके आपकी सहूलियत हो जाए, ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके देखिए अंतिम लक्ष्य क्या है आपका, आपको लक्ष्य यही होगा कि आपको पीजीटी में जाके जो है सीट प्राप्त करना है। तो क्यों ना आप एस्टेट का सिलेबस तो पढ़ें जो आपको दिया हुआ है स्नातक का, प्लस आप जो है अभी से ही क्या कर दें, आप पीजीटी की तैयारी भी शुरू कर दें, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको डबल बेनिफिट होगा, एस्टेट तो होगा ही होगा पीजीटी भी होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पीजीटी की तैयारी करेंगे तो आपका स्टेट की चीजें छूट जाएंगी, है कुछ चीजें हो सकता है 2-4-5 पॉइंट आपको सवाल नहीं बने, लेकिन अधिकतर चीजें आपको क्या होगी वहां पे
बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है विवेक पे निर्णय होगा आपका किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ना। मार्च वगैरह में इसकी परीक्षा की संभावना बता रहे हैं और अगस्त में जाके आपकी जो है पीजीटी की भी आपकी वाली परीक्षा हो जाएगी, ऐसी संभाव्यता भी दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तैयारी करें आप। लास्ट डेट आपको मालूम है, लास्ट डेट कौन सी है? लास्ट डेट है आपकी 2 मार्च 2 जनवरी, जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके पहले फॉर्म वगैरह सब फिल कर लें और ध्यान रखें कि त्रुटियां वगैरह कुछ ना हो, आप फॉर्म वगैरह जो है बराबरी से उसको फिल करें। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ देखिए, अगर आप जो है यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है, पीजीटी के लिए अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चीजें मिल जाएंगी, वहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करें। एंड ये जो पीजीटी रहेगा आपका TRE 3.0 के लिए, ठीक है, ये आपका जब तक परीक्षा रहेगी तब तक के लिए आपका ये वैलिड रहेगा अभी से। ठीक है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है यहाँ पे, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी बच्चों ने किया था, रिजल्ट भी आया है वहां से। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट तैयारी मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी की कंप्लीट तैयारी मतलब आप ये मान के चलिए बीपीएससी पीजीटी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसी के साथ आपको हेल्प मिल जाएगी कहाँ पे? आपके एस्टेट के अंदर भी। ठीक है, बाकी आप जो अपना पढ़ रहे हैं सिलेबस वो आप उसको पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी और एस्टेट का पेपर भी लगभग लगभग वहीं से वहीं आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एनसीईआरटी की वीडियोस हैं, प्लस यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस हैं। ठीक है, ऑलरेडी बन के रेडी है, सब कुछ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल उसको समय निकाल के उसको केवल देख लेना है और चीजों को नोट कर लेना है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, मॉक टेस्ट है, उनके आंसर्स हैं, सब कुछ चीजें यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगी। और ये सब कितने में मिलेंगी आपको? ये सब मिलेगी मात्र आपको रुपीज, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इस चीज को अवेल कर सकते हैं 2500 रुपए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 2500 रुपए के अंदर आपको केवल ये सब मिल जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आपको लेना है, इच्छा है तो लीजिए। ठीक है, काफी समय से अगर फॉलो कर रहे हैं आप चैनल को एंड अगर आप दुविधा में हैं तो आप उसको लेना चाहिए। ठीक है, अगर अभी नए नए हैं तो थोड़ा 2-4 वीडियो और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप ले लीजिए, तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, मात्र 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा। सारे जो वीडियोस हैं, देखिए लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस ही हैं। रिकॉर्डेड ही क्लासेस से बच्चों ने जो है हमारे नेट निकाला हुआ है। ठीक है, अभी पीजीटी भी निकाल रहे हैं और सेट के एग्जाम्स भी कई सारे निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, सारे वीडियोज जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, ऑलरेडी अपलोडेड है सारी चीजें, और जो भी इसमें अपडेट होता जाएगा, ठीक है, जैसे आगे आने वाले समय को देखते हुए अपडेट होना जरूरी है, तो जो भी अपडेट की वीडियो होंगी वो भी वहां पर आती जाएंगी। ठीक है, जितना जरूरी होगा उतना ही। ठीक है, आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि रोज आपकी क्लास होगी, रोज ऐसा नहीं। आपको जो ऑलरेडी वहां पे होके रखा है, पहले आपको ये जो है इतना कवर करना है, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, 2500 रुपए इसकी फीस है। नीचे वहां पे स्टेप्स दिए हुए हैं 5, उन स्टेप्स को फॉलो करें, उसके अलावा यहाँ पे अन्यथा किसी प्रकार की बातें ना करें। ठीक है, उन स्टेप्स में दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1 को पहले फॉलो करना है, 2nd को फिर फॉलो करना है, 3rd को फिर फॉलो करना है एंड 4th को फिर फॉलो करना है। अगर आपने इस प्रकार से फॉलो किया प्रॉपरली अच्छे तरीके से अगले 7-8 महीने, तो आपको पीजीटी में यहाँ पे शिक्षक बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता, भले ही कुछ भी कॉम्पिटिशन होता रहे। ठीक है, बस उसको क्या करना है, आपको अच्छे से मनन करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है और जो बता रहे हैं उसको समझ के बार 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 किसको पढ़ना है, एक ही किताब को पढ़ना है, वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, फिलहाल देखिए, फिलहाल बिहार में आपको शिक्षक बनना है अगर, तो आपके लिए एक पुस्तक जो है वो सर्वोपरि है, वो क्या है, वो एनसीईआरटी। ठीक है, जिस प्रकार से ये चैनल आपके लिए सर्वोपरि है, उसी प्रकार से पुस्तक भी आपके लिए सर्वोपरि है, जो आपको फर्श से अर्श तक का सफर ले जा सकती है अभी के समय में। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपने 3.0 का मौका चूका अभी, तो 4.0 और आगे जो भी परीक्षा होगी उसमें आप देखिए, मान के चलिए आपका जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा यहाँ पर शूट कर जाएगा ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा शूट कर जाएगा। अभी 2400 बच्चों ने किया था। ठीक है, तो आगे देखिए, ये जो आंकड़ा अभी आप देखते हैं 9वीं 10वीं में हजारों की तादाद में, वो भी आपको देखते में समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए जो है आपको समय मिला है, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें, एसटेट 2024 को जल्दी पास करें और फिर जल्द से जल्द आप जो है पीजीटी मनोविज्ञान के शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हो। राइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो क्या करना है आपको मालूम है, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ